Welcome back to Indian Soldier One, guys. Yet another episode, एक नया fresh episode of gaming news. और guys, क्या journey रही है, 150 episode हम आज complete करने जा रहे हैं. This is the 150th episode of gaming news. 150 videos बना डाली भाई आपने और मैंने मिलके gaming news के episodes की, which is amazing. इसी बात पे एक like तो बनता है, और जिन लोगों ने subscribe नहीं करा भाई, subscribe भी बनता है इस बात पे. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, IndianSoldier_1 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और साथ ही में शुरू करते हैं इस गेमिंग न्यूज़ के 150th एपिसोड को. पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज़ हैं. तो लेट्स गो. तो गाइस, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कल होने वाले प्लेस्टेशन अवार्ड्स को लेके, जो होने वाले हैं जापान में, टोक्यो में. और इनके टाइमिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन टाइम के हिसाब से दिस विल स्टार्ट एट 1:30 PM. तो कल दोपहर को 1:30 बजे ये देखना ज़रूर. प्लेस्टेशन जापान का जो चैनल है यूट्यूब पे, उनके ऊपर ये अवार्ड्स जो है वो लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे. और भी हो सकता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हो ये स्ट्रीम, लेकिन प्लेस्टेशन जापान ने ऑलरेडी इसका रिमाइंडर लगा दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेस्टेशन जापान का चैनल. और ये अवार्ड्स जो हैं, इसके अंदर बहुत सारी गेम्स को भी अवार्ड्स दिए जाएंगे. और साथ में जो सबसे मेन बात है इन अवार्ड्स की, वो ये है कि अब इस समय रेडिट इज़ गोइंग क्रेजी, ट्विटर इज़ गोइंग क्रेजी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कल हमें पहली प्लेस्टेशन 5 कंज्यूमर ग्रेड जो मॉडल होगा, जो डेव किट नहीं है, उसके अलावा जो कंज्यूमर को मिलेगी प्लेस्टेशन 5, उसके बारे में हमें कल डिटेल्स पता चल सकती है. हो सकता है वो रिवील भी कर दें कल. चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है. अब देखते हैं कि कल क्या होता है. 1:30 बजे एग्जैक्टली लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी प्लेस्टेशन जापान के चैनल पे, तो डू चेक इट आउट. और आई होप प्लेस्टेशन 5 से रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिले, मतलब कुछ पता चले, कोई नए फीचर्स या फिर जो गेम्स आने वाली हैं प्लेस्टेशन 5 पे एट लॉन्च, एटलीस्ट उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चले, अगर हमें कंसोल के बारे में कुछ नहीं बताता सोनी तो. दूसरी न्यूज़ आ रही है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019 की तरफ से. और आप लोगों को मैंने एक पिछले गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड में बताया था, गेमिंग न्यूज़ एपिसोड नंबर 148 में, कि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर है उसका प्लेयर बेस जो है वो काफ़ी कम हो गया है. लोग कम से कम खेल रहे हैं मॉडर्न वॉरफेयर 2019 को. इसको देखते हुए यहाँ पे एक्टिविजन लेके आ रहा है इन्फिनिटी वॉर के साथ मिलके दो नए मोड, जो है 1v1 और 3v3 मोड्स. ये बहुत जल्दी एक नए पैच के थ्रू आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप मल्टीप्लेयर मोड्स अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो. और गाइज, ये गेम क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है, तो अगर आप PC पे खेल रहे हो, आपके फ्रेंड के पास एक्सबॉक्स या फिर PS4 है, तो उनके साथ भी आप एक्टिविजन के अकाउंट के थ्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म के थ्रू खेल सकते हो, तो डू चेक इट आउट. और ये जो 1v1 है और 3v3 है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे मोड्स. इनकी एग्जैक्ट डेट मैं चेक नहीं कर पाया, लेकिन आप चाहो तो एक्टिविजन के ट्विटर हैंडल पे जाके या इन्फिनिटी वॉर के ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हो उनके बारे में कोई अपडेट्स. थर्ड न्यूज़ आ रही है डेथ स्ट्रैंडिंग फैंस के लिए, जो आप में से बहुत लोग हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अगर आपको डेथ स्ट्रैंडिंग अच्छी लगी, अगर आपने उसको कंप्लीट कर दिया है, तो हिडियो कोजिमा इज़ प्लानिंग ऑन अ सीक्वल. लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है कि डेथ स्ट्रैंडिंग की सक्सेस को देखते हुए, मतलब जितनी भी उसको हाइप क्रिएट की गई और उसको नॉमिनी भी किया गया गेम ऑफ द ईयर के लिए, इसको देखते हुए हिडियो कोजिमा ने बोला है कि हम सीक्वल प्लान तो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं सीक्वल के बारे में इंटरनली इन कोजिमा प्रोडक्शंस, लेकिन जो सीक्वल होगा वो हमें जीरो से, मतलब फ्रॉम द स्क्रैच लिखना पड़ेगा. द स्टोरी विल नॉट कंटिन्यू जहाँ पे ये स्टोरी खत्म हुई थी. तो सीक्वल मतलब कहने को तो एक तरह से सीक्वल ही होगा, लेकिन हो सकता है कि हमें प्रीक्वल देखने को मिले. स्टोरी जो डेथ स्ट्रैंडिंग से पहले क्या हुआ था, कैसे पूरा मतलब वर्ल्ड में ये कैटास्ट्रोफी जो दिखाई हुई है कैसे फैली, और हो सकता है कि हमें मतलब स्टोरी वाइज प्रीक्वल देखने को मिले, बट डेथ स्ट्रैंडिंग का ही सीक्वल दे आर प्लानिंग इट आउट. अब वो कब आता है कब नहीं आता, एंड डेफिनेटली अगर आएगा तो वो प्लेस्टेशन 5 पे ही आएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. बट फिलहाल उससे पहले सबको वेट है डेथ स्ट्रैंडिंग के PC रिलीज को लेके, तो एग्जैक्ट डेट जो है वो भी मैं जब आ जाएगी तो आप लोगों को बता दूंगा. फोर्थ न्यूज़ है प्लेस्टेशन 5 की एक लीक्ड इमेज को लेके. जो ये लीक्ड इमेज है, आप लोगों को मैंने इसके बारे में कल भी एक वीडियो में बताया था, पूरी डेडिकेटेड वीडियो थी कि ये प्लेस्टेशन 5 की डेव किट है. लेकिन इस पिक के अंदर एक चीज़ मैंने मिस आउट कर दी इस वीडियो में, वो है DualShock 5 कंट्रोलर. गाइज, इसके अंदर एक कंट्रोलर दिखाया जा रहा है, जो इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. अब पीपल आर सेइंग दैट दिस इज DualShock 5, एंड डेफिनेटली दिस
इज नॉट डुअल शॉक 4, ये डुअल शॉक 4 कंट्रोलर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये अपग्रेडेड वर्जन होगा या तो डुअल शॉक 4 का या फिर दिस इज डेफिनेटली डुअल शॉक 5। और पर्सनली स्पीकिंग गाइस मुझे इस चीज से कोई भी ऑब्जेक्शन या प्रॉब्लम नहीं है, अगर डुअल शॉक 5 यही है तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो डुअल शॉक 4 का डिजाइन था आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। अब ठीक है लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन होनी चाहिए जिसके अंदर हमें स्टैट्स दिखने चाहिए, बहुत सारी चीजें दिखनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि उसकी कोई नीड है, क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हो तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप कंट्रोलर की तरफ देखते हो। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपने प्लेस्टेशन 4 अभी अभी दी है, आपको नहीं पता कि बटन्स किस तरह से मैप आउट होते हैं, L1 R1 यू नो L3 R3 और ये जो स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल एक्स इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप डेफिनेटली देखते हो, लेकिन जब आपको पता है कि यार स्क्वायर कौन सा है, यू नो सर्कल कौन सा है, क्रॉस कौन सा है, ट्रायंगल कौन सा है, तो आप कभी भी कंट्रोलर की तरफ नहीं देखते, आपको जो गेम में दिखाई देता है कि R1 दबाओ तो आप फटाफट R1 दबा देते हो बिकॉज यू नो व्हाट इज R1। तो यहाँ पे स्क्रीन देने का मतलब ये हुआ कि आपको कंट्रोलर की तरफ बार बार देखने पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ वायबल। आपका क्या कहना है जी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको एक स्क्रीन सच्ची में यहाँ पे चाहिए ट्रैक पैड की जगह, या फिर आप कहते हो कि यार ये डिज़ाइन ठीक है, मतलब हमें कोई स्क्रीन वगैरह नहीं चाहिए, बट हाँ मतलब थोड़ा जो लुक है वो और ज़्यादा इंप्रूव की जाए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और गाइस लास्ट न्यूज़ आ रही है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की तरफ से। अब देखा जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे हेटेड कंपनी की बात करूं, अगर मैं हेटेड स्टूडियो की बात करूं तो वो है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, सबसे हेटेड पब्लिशर भी है। और इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स अपनी गलतियों से सीख रहा है, इसका सबूत है उसकी लेटेस्ट 2 गेम्स जो है NFS हीट और स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर। देखो यार फैंस उसको डिसलाइक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को, ये बात ये को बहुत अच्छी तरह से पता है, तभी स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर के अंदर कोई भी माइक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं है और ना ही NFS हीट के अंदर कोई माइक्रो ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ये की हमेशा से ये चीज़ रही है कि आपको माइक्रो ट्रांजैक्शंस इनकी ऑलमोस्ट हर गेम में देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक EA इज़ लर्निंग फ्रॉम इट्स मिस्टेक, और लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले जितने भी EA के टाइटल्स होंगे उनमें आपको कम से कम माइक्रो ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यू नो अगर आपको जैसे NFS हीट में फरारी परचेज करनी है जो टॉप ऑफ द लाइन कार है, या फिर बुगाड़ी परचेज करनी है, तो आपको पेमेंट नहीं करनी, मतलब इन गेम आपको पैसे नहीं देने, उनको रियल वर्ल्ड मनी नहीं देनी उस कार को अनलॉक करने के लिए, आप गेम की प्रोग्रेस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर EA और साथ में हम गेमर्स फैंस के लिए भी। तो गाइस दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे अगर मैंने कोई मेजर न्यूज मिस कर दी हो, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी एक और नई अमेजिंग गेमिंग न्यूज के वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय। We'll be right back.